नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एक नजर इधर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपने खास कार्यक्रम में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनसे सीधा सरोकार जनता का होता है और जिम्मेदारों से जनता के हित में पूछते हैं सवाल। सबसे पहले बात करते हैं लटेरी की, जहां लगभग डेढ़ दशक से अधूरी पड़ी हुई लटेरी की मुख्य सड़क वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बावजूद इसके ये सड़क किसी के लिए लड़ाई तो किसी के लिए कमाई का जरिया बनी हुई है। सड़क की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के बिल निकालकर जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने अपनी जेबें भी भरी हैं, लेकिन जनता जहां आंदोलन और ज्ञापन दे देकर परेशान है, तो वहीं जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार एक दूसरे पर इल्जाम, कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए हैं। स्वच्छता का डंका बजाने वाली नगर परिषद लटेरी धूल के रूप में लोगों के अंदर भरी गंदगी को साफ करने में नाकाम साबित हो रही है। अभी आप अच्छा प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि मैं अभी जुलाई में आया हूँ, उस जुलाई से लेकर के अभी तक की प्रक्रिया, मैंने अभी एक महीने पहले तक की प्रक्रिया तो ये थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसका डीपीआर है कहाँ। जब आप मैंने अंदर तक गया मैं और इंजीनियर साहब से बात किया तो ये पता चला कि ये इन वहाँ भोपाल में पड़ा हुआ है। मैंने उसकी पैरवी चालू की और आज की डेट में संचालनालय तक मैं उस डीपीआर को पहुँचा चुका हूँ। लगभग कितने बजट से ये सड़क बनेगी और क्या है? तो ये 3.5 करोड़ का अपने पास अभी जो राशि है उससे तो हम टेंडर लगा ही सकते हैं जी। शासन प्रशासन से अपन मांग करेंगे शेष राशि के लिए, आ जाएगी तो काम पूरा हो जाएगा। लटेरी की जो सड़क है आज कम से कम 10 और 15 साल से इसे धूल उड़ते देख रहा है। लटेरी में क्या दिक्कतें आती हैं? क्या जिसमें पैदल चल नहीं पा सही से, ऐसा लगता भी नहीं है कि मार्केट है लटेरी का। मुख्य मार्केट है हमारी लटेरी का, जहाँ बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े प्रशासन अधिकारी भी हैं जहाँ पे, लेकिन कुछ सुधार नहीं है आज भी बाजार में। इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, अब हमारे रामगढ़ विधायक वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मानी श्री जबरदस्त सिंह जी मंत्री हैं। लटेरी की समस्या को उनके पास भेजेंगे और इसको कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करवाएंगे। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तब यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से, हम सब कार्यकर्ताओं के प्रयासों से मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी थी। शेष 3 करोड़ रुपए की राशि देना थी और उसका डीपीआर बनकर यहाँ काम प्रारंभ होना था, लेकिन नगर पंचायत की उदासीनता के कारण, नगर पंचायत के अध्यक्ष की उदासीनता के कारण उसका डीपीआर नहीं बना। लापरवाह है, कई बार वहां के जो आसपास के रहवासी और ग्रामीण हैं, अधिकारियों को इसकी शिकायत करवा चुके हैं, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला ला चुके हैं, लेकिन अधिकारी और जो जिम्मेदार हैं वो लगातार कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आए हैं। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र विश्वकर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लटेरी में एक दशक से सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, राजेश पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी ऋतु, बताना चाहूँगा, लटेरी के सिरोंज चौराहे से हॉस्पिटल तक की ये मुख्य सड़क है जो बरसों से, मतलब 10 से 15 वर्ष इसको हो चुके हैं, लेकिन इसका निर्माण नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इसको शासन प्रशासन की लापरवाही कहेंगे और गंभीर लापरवाही कहेंगे, जो जनता की है ना परेशानियों का कोई ध्यान नहीं रखती और है ना अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। राजेश, फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर हमारे सामने आई हैं, इसमें क्या कुछ निर्माण की जरूरत है, जानना चाहेंगे? ये पूरा निर्माण, मुख्य निर्माण होना है, एक नए सिरे से नई सड़क बनना है। वर्षों लग 10-15 साल पहले इस सड़क का डामरीकरण किया गया था, उसके बाद इस पर कहीं कोई कार्य नहीं किया गया। टाइम टाइम पर है ना चूरी या अन्य व्यवस्थाओं से डालकर इन पर खाना पूर्ति कर ली जाती है और लाखों के बिल इस पर निकाल लिए जाते हैं। तो राजेश, क्या किसी अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है?
जी कई बार बड़े बड़े इसके लिए आंदोलन हो चुके हैं जी, ज्ञापन दिए जा चुके हैं बड़े स्तर पर, लेकिन कहीं कोई असर अभी तक नहीं देखने को मिला है। जी ऋतु राजेश, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, ऐसे में प्रशासन कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाता? इसको अब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया कहेंगे प्रशासन का कि लोगों की है ना चिंता नहीं है, आम जन को जो है ना हम मुख्य मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए, हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं, और तमाम तरह के प्रशासन दावा करता है सुविधाएं देने का, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। जी राजेश, कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं, अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया, क्या उन ज्ञापन देने के बाद जिम्मेदारों के संज्ञान में जब पूरा मामला आया, क्या किसी अधिकारी ने सड़क का निरीक्षण किया? निरीक्षण कई बार कर चुके हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय के द्वारा भी, यहाँ पहले टाइम में एमबी ओझा जी थे, उनके द्वारा भी यहाँ के नागरिकों से मिलजुल कर क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? जी राजेश, क्या कुछ आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है? आश्वासन यही दिया जाता है जल्द से जल्द निर्माण होगा, विधानसभा चुनाव से पहले माननीय सांसद महोदय द्वारा इसका है ना भूमि पूजन भी कर दिया गया था, उनके द्वारा 1 करोड़ की राशि। एक दशक से किसी अधिकारी ने अभी तक कोई निर्माण नहीं किया। जी निर्माण नहीं किया, वही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी कहेंगे, लोगों को बीमारियां हो रही है, तमाम तरह की बरसात में समस्याएं आती है, लेकिन है ना नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कानों पर कोई जू तक नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इसे लापरवाही कहेंगे जो आम जनता की। जाहिर सी बात है राजेश की ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, जिम्मेदारों की, जो अपनी जिम्मेदारी से पला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जो किसी अधिकारी के संज्ञान में ना ला जाए, बल्कि ये तो ऐसा मामला है जो अधिकारी खुद देखे और खुद ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर सड़क का निर्माण कर दे। जी निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान सीएमओ से बात हुई थी, काफी टाइम पहले बात हुई थी, उनने कहा था दीपावली के बाद निर्माण उसका शुरू हो जाएगा, टेंडर निकल जाएगा, लेकिन अभी तक दीपावली से कई एक महीना ओवर हो चुका है, इसके बाद भी अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, डीपीआर की बात की जाती है, डीपीआर तैयार करके संचालन में भेज दिया गया है, अरे अब उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, वो भी तो नगर परिषद की है, लेकिन इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो राजेश, आसपास के जो रहवासी हैं, वहां के लोग हैं, और जो सब्जी मार्केट मंडी बाजार लगाते हैं, उनका क्या कुछ अभी रवैया या रिएक्शन निकल कर सामने आया? रिएक्शन ये है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को है ना धूल के कारण दमा है, अस्थमा है, इस तरह की शिकायतें हो रही है, लोग मास्क बैठकर बैठने को मजबूर है अपनी दुकानों पर, लिखे ज्ञापन दिए जा चुके हैं, और लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई नजर नहीं आती। जी राजेश, अगर अब ऐसे में आसपास के लोग किसी बीमारी की चपेट में आ जाए, किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा इस पूरे मामले पर? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है स्थानीय प्रशासन जो है उसकी बनती है, नगर परिषद जो है उसको है ना इस स्थिति में सुधार करना चाहिए जिससे आम जन को हम बेहतर सुविधाएं दे सकें, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर नगर परिषद जिम्मेदार है इसके लिए। चलिए राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको लटेरी के दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सड़क अभी तक पिछले एक दशक से अधूरी पड़ी है, अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ, ऐसे में वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे ग्रामीण भी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और इसी पर अब हमारे साथ पार्षद रुपेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो रुपेश जी, आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। जी रुपेश जी, लटेरी में पिछले एक दशक से सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्या कुछ कहना है आपका? मैडम, हमारे यहाँ की सड़क तो बहुत पहले बन जाती जी, लेकिन सीएमओ और अध्यक्ष की मनमानी और तनातनी के चक्कर में नहीं बन पाई, अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया, डीपीआर जो कि भोपाल में उलझी पड़ी हुई है। तो रुपेश जी, एक दशक बीत गया है, डीपीआर भोपाल में उलझा पड़ा है, क्या आपने किसी बड़े अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी को अवगत नहीं कराया पूरा मामला? बिल्कुल, बहुत जगह अवगत कराया हमने, हम नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी से भी मिले,
हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, लेकिन आपसी की लड़ाई के चक्कर में वो अभी तक उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा। लगातार इस सड़क पे बताया जा रहा है कि आंदोलन भी किए हैं इस सड़क निर्माण के लिए। बिल्कुल आंदोलन भी करें, फिर भी अधिकारियों और जिम्मेदारों का रवैया जस का तस है। बिल्कुल, कुछ साल पहले सड़क का उद्घाटन भी माननीय जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा द्वारा कर दिया गया था जी, लेकिन विधानसभा में वो जीत नहीं पाए तो फिर वो मामला उलझ गया। रुपेश जी, अब इस दौरान कोई अगर गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल मैडम, प्रशासन नगर पंचायत लटेरी जिम्मेदार होगी हमारे हिसाब से। तो हमारे यहाँ तो और भी समस्या है, फिल्टर में जो हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट है उसमें भी दोनों मशीनें एथोन केथोन दोनों खराब हैं, जिससे बस्ती को पानी नहीं मिल पा रहा, फिल्टर बहुत गंदा पानी आ रहा। क्या उन मामलों में भी अधिकारी और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं? जी बिल्कुल, अपन किसी से भी क्यों तो करवा रहे हैं, ऐसा चलता रहता। चलिए रुपेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये लटेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लगभग डेढ़ दशक से अधूरी पड़ी हुई लटेरी की मुख्य सड़क वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। और आपको बता दें कि सड़क के निर्माण के लिए कई बार आंदोलन भी दिए गए हैं और नेता मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंप दिए गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक एक दशक बीत चुका है और सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बावजूद इसके ये सड़क किसी के लिए लड़ाई का जरिया है तो किसी के लिए कमाई का जरिया बना हुआ है। सड़क की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के बिल निकालकर पेश कर दिए जाते हैं, जहां जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों ने अपनी जेबें भर ली हैं लाखों रुपए के बिल दिखा दिखा कर, लेकिन जनता वहां आंदोलन और ज्ञापन देकर अब परेशान हो चुकी है। वहीं जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार एक दूसरे पर लगातार इल्जाम लगाते हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए भी नजर आते हैं। स्वच्छता का डंका बजाने वाली नगर परिषद लटेरी धूल के रूप में लोगों के अंदर भर रही गंदगी को साफ करने में नाकाम भी साबित हो रही है। इस दौरान काफी लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि वहां कई लोग ऐसे हैं, ग्रामीण ऐसे हैं जो अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो सड़क के बाहर निकलते हैं या घूमने निकलते हैं तो उस दौरान उन्हें मास्क पहन के बाहर निकलना होता है। अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा या बड़ी लापरवाही सामने आती है तो साफ तौर पर प्रशासन जिम्मेदारी लेगा। तो ये लटेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क हादसों को न्योता दे रही हैं कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, जो हालांकि जिन्हें हम साफ तौर पर जिम्मेदार कहते हैं, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जब हमारे संवाददाता द्वारा जिम्मेदारों से सवाल किए गए तो वो कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले एक दशक से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ के लोग लगातार आंदोलन भी करते हैं, आंदोलन के जरिए अपनी आवाज अधिकारी जिम्मेदारों तक पहुंचाई है, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले से संज्ञान में पूरा मामला लाया गया है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो साफ तौर पर जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी, और ऐसे में कई लोग गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ चुके हैं। और अब हमारे साथ पीएस खरे सीएमओ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पीएस खरे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। पीएस खरे जी, लटेरी में एक दशक से सड़क नहीं बनी है, निर्माण नहीं हुआ है, इसके लिए आंदोलन भी दे दिए गए, ज्ञापन भी किए गए हैं, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? नहीं, मैं तो अभी जुलाई में आया हूँ यहाँ, जुलाई में, और जुलाई के बाद ये हम इसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद मैं तत्काल ई साहब के पास भोपाल गया। भोपाल में जाकर के डीपीआर का हमने अवलोकन किया, उसमें कुछ त्रुटियां निकाली गई। तत्काल मैं इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर जिनके द्वारा डीपीआर बनाया गया था वो इंजीनियर मैंने वहां भोपाल गए, भोपाल में उसका सुधार कराया गया और सुधार कार्य करा करके संचालनालय स्तर पे अभी पड़ी हुई है और लगभग हमारी डीपीआर सैंक्शन की स्थिति में है जी। तो कब आप पदस्थ जुलाई में हुए, इस दौरान आप बता रहे हैं कि आपने इतने कार्य किए हैं, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर आया, मौके का मुआयना किया, तो अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? अब ये तो पिछले करीब 10 साल से ही स्थिति है।
अब पिछले क्यों नहीं हुआ इसका कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आज की जो जब से मैं आया हूँ तो इस DPR के पीछे लगा हुआ हूँ और संभवतः हमें करीब 15 दिन के अंदर इसकी प्रोग्रेस मिल जाएगी और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इसका मैंने टेंडर भी लगा दूंगा। चलिए PS खरेचवी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये लटेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क आपको बता दें कि हादसों को न्योता दे रही है, बीमारियों को न्योता दे रही है और आपको बताते चलें कि अधूरी पड़ी है ये सड़कें, लगभग 1.5 दशक से अधूरी पड़ी हुई लटेरी का मुख्य सड़क वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बावजूद इसके ये सड़क किसी के लिए लड़ाई तो किसी के लिए कमाई का जरिया है। कई बार प्रशासन को इस पूरे मामले पर संज्ञान दे दिया गया है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है इस पूरे मामले पर। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में बिजली विभाग किसानों से खुली लूट कर रहा है। मुख्यमंत्री अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर पोर्टल खुला हुआ है लेकिन इसके लिए किसानों से 1800 रुपए की राशि जमा कराई जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि इस जमा राशि की कोई रसीद विभाग नहीं दे रहा किसानों को। तेंदुखेड़ा में पदस्थ अधिकारियों ने सैकड़ों किसानों से अवैध वसूली की है। बिजली विभाग को मुख्यमंत्री कमलनाथ की किसान हितैषी योजनाओं को पलीता लगाने वाले ऐसे अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ नहीं है लेकिन समस्या किसानों के साथ बहुत जटिल है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अनुदान योजना के तहत जो ट्रांसफार्मर का जो पोर्टल खुला है किसानों को विगत वर्षों में जो रखा हुआ करते थे वो आज और कल के लिए ऐसा बताया जा रहा है यहाँ जेई के माध्यम से होटल खुला है। लेकिन मेरी डी से बात हुई, डी ने ये बोला है कि इसमें सिर्फ आवेदन करना है आपको, आवेदन के अलावा आपको कोई शुल्क राशि जमा नहीं करनी। यहाँ शुल्क राशि ली जा रही है और लोगों को रसीद प्राप्त नहीं हो रही। अरे हमें चाचा के नाम से बनवा रहा है, हम कनेक्शन नहीं, कनेक्शन है क्या समस्या है? अरे DP के लाने कह रहे थे 1750 जमा करो तो हमने भैया रकम दर के जेब पैसा दे यार कागज जमा करे पीताम्बर चौधरी नाम से अपनी रसीद दी उसकी कांदाई रसीद क्या बोल रहे आपसे रसीद नहीं वो तो बाद में पक्की रसीद। आपके पास पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे तो हम तो रूसिया जी खाओ पैसा लाए। अब क्या समस्या है? पोर्टल जमा खुल के पोर्टल खुला था DP के लिए वो आवेदन ले रहे थे। आपने कितने पैसे जमा किया? 1800 रूपए। आपको रसीद मिली है? अभी तक नहीं दी, शाम तक बोल रहे हैं शाम तक दे देंगे। किसानों से पैसे लिए गए किस योजना के अंतर्गत लिए गए? कृषक अनुदान का आया है का भैया उनका रजिस्ट्रेशन करा पंजीयन करा तो पंजीयन के नाम से 1770 लग रहे गत्ते कायदे से वही जमा कराए थे। साफ हमने मत कराओ फ्री में कराओ फ्री में कर दे रहे। इसके पहले से पता था कि इसके 1700-1800 रुपए पैसे लेना है? 1500 पंजीयन के लगते हैं और GST 270 तो 1770। आप तो 1800 रुपया बिल कारण है और कोई कारण नहीं है सर। किसी से 2000 भी लिए गए? नहीं नहीं, क्यों? कोई आके बोल देगा खड़े हो सर, कोई अगर आके खड़े हो बोल। अभी तो सर 1800 रुपये वापस हो रहे हैं, 1770 रुपये दिए गए और किसानों को एक भी इसकी रिसीप नहीं दी जा रही है। देखो ये ऑनलाइन होना है, अपने को मैनुअली कोई रसीद नहीं देते आजकल, सब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में उन्होंने रोक दिया कि बोले ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि कई इसमें रद्द हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में बिजली विभाग किसानों से खुली लूट कर रहा है। मुख्यमंत्री अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर पोर्टल खुला हुआ है लेकिन इसके लिए किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। 1800 रुपए के तौर पर उनसे पैसे उगाही की जा रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिजली विभाग किसानों से खुली लूट कर रहा है, मुख्यमंत्री अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर पोर्टल खुले हुए हैं उसके बावजूद भी किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, विस्तार से बताया पूरा मामला। बिल्कुल ऋतु जी, बताना चाहूंगा ये बिजली विभाग का पहला मुद्दा नहीं है, हमेशा देखने को मिलता है ऐसे तेंदुखेड़ा मुख्यमंत्री अनुदान राशि के तहत एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें जो कि ट्रांसफार्मर रखाने हैं 1770 रुपए की इसमें
आवेदन करना था, लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी खुली अवैध वसूली की जा रही, जो किसानों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1800 रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं जब हमारी अधिकारी से बात हुई, देवेंद्र सोनी से जब हमारी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ आवेदन के लिए वो लगाया है, मात्र लोगों को किसानों को आवेदन करना है और उसके बाद नाम लिखाना, अन्यथा कोई पेमेंट नहीं लेना। जब यही बात हमने यहाँ पर अधिकारी से पूछना चाहिए चौहान जी से, तो उनका साफ तौर पर बस यही कहना था कि हमको ऊपर से परमिशन मिली, और साथ ही जब मीडिया ने सवाल पूछे गए तो उन्होंने किसानों की राशि वापस कर दी उसी वक्त। जी तो धर्मेंद्र, इस पूरे मामले पर किसानों का क्या कुछ कहना है? किसानों का बिल्कुल साफ तौर पर, जब अगर रसीद भी कटना थी तो 1770 रुपए की कटनी थी। इसके बाद जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ में इनकार कर दिया कि आवेदन के लिए सिर्फ बोला गया है, ना कि कोई पेमेंट के लिए। अगर सीधी सीधी बात कहीं की जाए, धर्मेंद्र, जिम्मेदारों का काम होता है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, लेकिन जब अधिकारी नहीं सुन रहे तो क्या किसी बड़े लेवल के अधिकारी से इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया? बिल्कुल, बड़े अधिकारी के विद्युत विभाग के डीए देवेंद्र सोनी से जब बात की तो उनका बस यही कहना था कि हमारे द्वारा नहीं कहा गया है, ये सर्वसर तेंदुखड़ा अधिकारी चौहान जी की गलती है। उसके बाद किसानों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि यहाँ पर टोटल अवैध वसूली चलती है, ऐसा ही आज का मैटर नहीं, हमेशा कभी कर्मचारी कहीं कोई तो हमेशा 100, 200 रुपए, 500 रुपए लेकर किसी की लाइट काट दी जाती है, तो कहीं जोड़ दिया जाता है, एक नहीं है, इसमें बार बार हर समय प्रॉब्लम आती है, किसानों को सिर्फ परेशान किया जाता है और अवैध तरीके से वसूली का पूरा रवैया बना हुआ है। जाहिर है कि अवैध वसूली की जा रही है किसानों से, और सरकार भी किसान हितैषी बताती है, तो वहीं जो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी है वही इन योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जब अधिकारियों से इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया तो अधिकारियों ने फिलहाल क्या कुछ आश्वासन किसानों को दिया? अधिकारी से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। जी चलिए धर्मेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपको नरसिंहपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें अब हमारे साथ किसान संघ सचिव ओम प्रकाश पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे, जहां बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसानों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हाँ, किसानों से खुली लूट, अवैध नहीं जी, खुली लूट कर रहे हैं। खुली लूट जी, अपना विद्युत विभाग है ना जी, इसने ना विज्ञप्ति जारी की ना किसी को बताया, फोन पे ने अपने जो एजेंट टाइप लोग है ना उनके माध्यम से किसानों को बताया गया कि 1750 रुपए लगेंगे तो आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा जी। तो क्या इस दौरान किसी अधिकारी को अवगत कराएगा, किसी अधिकारी से शिकायत कराएगी जो किसी के संज्ञान में मामला लाया और किसी ने कार्रवाई की हो? नहीं, कार्रवाई तो उसको कुछ किसानों ने मेरे को बताया जी कि 1750 रुपए ले जा रहा है, लेकिन हमको रिसिप्ट नहीं दी जा रही जी। तो मैंने इनके उच्च अधिकारी जो रहते हैं रहते हैं जो बैठते हैं वहाँ पे जी, तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया, और ऐसे ही आपको वहाँ आवेदन करना है तो सिर्फ आवेदन करें, ना कि पैसा जमा करें। चलिए ओम प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में बिजली विभाग किसानों से खुली लूट कर रहा है। मुख्यमंत्री अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर पोर्टल भी खुला हुआ है, लेकिन इसके लिए किसानों से 1800 रुपए की राशि जमा कराई जाती है। इसमें हैरत की बात यह है कि इस जमा राशि की कोई रसीद विभाग किसानों को नहीं देता। तेंदुखेड़ा में पदस्थ जो अधिकारी है उन्होंने सैकड़ों बार किसानों से अवैध वसूली भी की है। बिजली विभाग को मुख्यमंत्री कमलनाथ की किसान हितैषी योजनाओं को पलीता लगा आते हुए भी ऐसे अधिकारी नजर आ रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम एक नजर में फिलहाल के लिए इतना ही। डीएनएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।